वंदे गुरुपद्द्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन समायुक्तं बिंदावन मनोहर वांछाकल्पतरुवश्य कृपा सिंधुवश पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं वृंदावई तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च स्नभक्ति पदे देवी सत्वत्वी नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीर संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरी पत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमदाक्ष जगोदरुण्यो धैयम् सदा परिभवग्नमविष्टदुहम् तीर्थास्पदम् शिव विरिञ्चनुतम् शरण्यम् भीतात्तिहम् पनुतपाल भवाद्धिपूतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पाद पल्लवन खचंदमनि छटाय विस्फुरजित किमपि गभोदूष्मदर्शी पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिकामयी कदा कृपां करोषि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदतु संकेतनैकवितरौ कमलायताक्षौ विशाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासिनित्यं भावानुरूपेण सदा नरानाम् गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवाम भागं नारायणो प्रियमनंगमदापहारं वराहनसिपुरपति भजवीशनाथं वागीशजस्वदने लक्ष्मीर्यस्य च भक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण
Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare. Naiskarmam opi achyata bhavavarjitam, nasavate jnanam amalam niranjanam, kutaha punaha shashada bhadramishvare nachar pitam karma jadapi akaranam naiskarmam opi ochyuta bhavavarjitam nasavati jnanam amalam niranjanam kutaha punaha shashada bhadramishvare nachar pitam karma jadapi akaranam. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, Jagadguru Prabhupada Ji ne bataye, Bhagavan jo bhi karte hain, wo hamara mangal ke liye hi hota hai. Chahe hum samajh nahi paate, lekin mangal ke liye hi hota hai. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada जगत गुरु जी ने बताएं, भगवान जो भी करते हैं वो हमारा मंगल के लिए ही करते हैं. इस बात को भूल जाने से, इस विश्वास को छोड़ने से जितना सारे मुसीबत हमारा जीवन जिंदगी में आन पड़ते हैं. बद्ध जीव अपना मंगल को अमंगल समझते हैं और मंगल और अमंगल का जो स्वरूप है ये तो कुछ जानता ही नहीं. बद्ध जीव अपना मंगल का क्या स्वरूप है, अमंगल का क्या स्वरूप है, इसका बारे में कोई जानकारी है ही नहीं. लेकिन मंगल को अमंगल सोचते हैं, अमंगल को मंगल सोचते हैं, ये बद्ध जीव का स्वभाव है. और भगवान अंतर्यामी अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक, वो कुछ भी करे, ये जो मंगल है ये क्यों बद्ध जीव का समझ में नहीं आता? क्योंकि माया है, माया में जोड़े हुए हैं, बिल्कुल माया से कवर अप. माया अपना चेतना को, अपना विचार शक्ति चेतना को पूरा एकदम दबा के रखे रखी है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा ये हमारा मंगल है, ये हमारा अमंगल है, क्या है नहीं है. जगत में दो चीज है, एक श्रेय है, ये प्रेय है. प्रभुपाद जी ने अक्सर बताते थे जगत में दो चीज है तमाम दुनिया के सामने, एक है प्रेय चीज है, एक श्रेय चीज है. प्रेय मतलब बद्ध अवस्था में जो कुछ खराब है, ठीक नहीं है, वो अच्छा लगता है. जो अपना इंद्रियों के द्वारा भोगने वाला चीज है, मेटेरियल माइंड का सपोर्ट मिलते रहता है, इन सब चीजों में वो लोग उलझ जाते हैं और उसको ही अच्छा लगता है. लेकिन अंतिम में ये जो हमको नरक में लेकर खड़ा कर देगा, इसका बारे में कुछ जानकारी है नहीं. बस अच्छा लग रहा है, बस यही काफी है, अच्छा लग रहा है. हमारा अच्छा लगना, हमारा अच्छा नहीं लगना, इसमें क्या आता जाता है? लेकिन कौन सुने? तमाम इंद्रियों के द्वारा भोगने वाला जो चीज है, मेटेरियल माइंड, बद्ध जीव, बद्ध मन में जो आता है वही करते रहते हैं, उसी को अच्छा मानते हैं. ये है प्रेय वस्तु, जो अच्छा लगे वही को करे. श्रेय वस्तु ये है वो आत्मा का साथ जोड़ा हुआ है, जो आत्मा का मंगल के लिए सबसे बड़ा चीज है श्रेय वस्तु. इसमें चाहे इसी वक्त हमको अच्छा नहीं लग रहा है,
लेकिन अंतिम में मेरे को चरम मंगल का रास्ता दिखाने के लिए तैयारी बैठा है। तो जो भी है भगवान जो भी करते हैं वो हमारा मंगल के लिए, ये जो पक्का बात सच्चा बात और ये जो विश्वास, ये छोड़ने का बाद ही हमारा जीवन जिंदगी में जितना सारी मुसीबतें आते रहते ये आते रहते हैं, कुछ करने का कुछ नहीं है। और भक्ति रसामृत सिंधु में ये भी एक श्लोक आता है बहुत सुंदर, उठा के दिए रूप गोस्वामी पाद, कामादीनम कुति न कुतिधा पालिता दुर् निर्देशा स्तेषाम जाता मई न करुणा न त्रपा न उपशांति। बहुत सुंदर, कामादीनम कति न कतिधा पालिता दुर्निर्देशा स्तेषाम जाता मई न करुणा न त्रपा न उपशांति। शरणागत भक्तो भगवान के चरण में रोते रोते ये विनती कर रहा है, ठाकुर जी कामादीनाम कुति न कुतिधा पालिता दुर्नित, ये जो हमारा कामना वासना है सब कुछ है, सर्वरिपु है, जितना सारी इंद्रिया हैं, हमारा काम का अधिष्ठान है ये सब इंद्रिया, और ये लोग ये जो इंद्रिया हैं, ये जो बद्ध मन है, एक काम आदीना मतलब काम क्रोध लोभ मोह जो कुछ भी है सर्वरिपु, ये सर्वरिपु का मैंने गुलामी किए हैं। आज तक ठाकुर जी मैंने ये सारा ये जो सर्वरिपु है सर्वरिपु का मैंने गुलामी किए हैं, ऐसा गुलामी किए हैं कि जब भी वो मांगे इनके मांगे जो है ये पूर्ति करके लिए करने के लिए बहुत प्रयास प्रचेष्टा की है, बहुत प्रयास प्रचेष्टा की है, इतना की है कि मत पूछो। कामादीनाम कुति न कुतिधा पालिता दुर्निर्देशा स्तेषाम जाता मुई न करुणा न त्रपा न उपशांति। जब जो कुछ मांगा बस उसी वक्त वो चीज देने के लिए हम तैयारी हो गई। इतना कुछ किया, गुलामी किया, जब चाहे जो चाहे वो ही हमने दिया है, लेकिन आज तक इतना गुलामी करने का बावजूद ये जो कामादीनाम कुति न कुति ये लोगों का कोई मेरा ऊपर सर्वरिपु जो है बद्धमान सर्वरिपु इसका हमारा ऊपर बिल्कुल दया नहीं हो पाए, बिल्कुल करुणा नहीं है, निर्लज्ज और अभी तक हमारा ये सब करते करते अभी तक लज्जा भी नहीं हुई और उपशांति भी नहीं पहुंचा। हे जदुपति क्या हालत है, हमने सोचा कि इन लोगों का जो ऑर्डर है आदेश है इसको पालन करें चाहे पूर्ति हो जाए, लेकिन पूर्ति का कोई ठिकाना ही नहीं और उल्टा हमारा हालत खराब हो गया। ये सर्वरिपु का मेरा ऊपर कोई दया करुणा कुछ नहीं हो पाया और हमारा इतना सब करने का बावजूद शर्मिंदा नहीं हुई, हम लज्जा नहीं है, उपशांति नहीं हुई। हे जदुपति अब ये अवस्था पहुंचा और जो करना है आप करो, अब तो हाथ उठा दिया। शरणागत भक्त का यही भाव है, शरणागत भक्त भगवान का शरण में चले जाते और भगवान मंगल का आकर वस्तु है,
तमाम जगत का मंगल शांति जो कुछ भी है सब भगवान से ही मिलते रहते हैं। कोई अगर कहे तो भगवान का ये चीज अच्छा है लेकिन ये दया नहीं है तो उल्टा किया भगवान, ऐसा अगर कहे ये तो बोका है। कोई मीठा वस्तु रसगुल्ला ले लिया, रसगुल्ला का ऊपर का पोर्शन मीठा है नीचा का पोर्शन तीखा है, वो कैसे हो सकता। जिस भगवान को रसो वैसा अक्सर बोलते रहते हो, सब कौन नहीं बोलते रसो वैसा, बोका लोग नहीं बोलते। जिनका नाम पड़ गया रसो वैसा, रसो एवही अयम लब्धानंदी भवती, यही रस का आकर है। तमाम दुनिया का ये रस का आकर है, चाहे अन्वय व्यतिरिक्याभ्याम, अन्वय रूप में व्यतिरिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जड़ जगत में जो रस मिलते रहते हैं, जिसके कारण जड़ जगत भागा दौड़ी करते हैं, इतना प्रयास प्रचेष्टा सब एक एक ही रस प्राप्ति के लिए। शांति मिलेगी, रस प्राप्ति हो अनंत, लेकिन ठिकाना नहीं है। रस का सोर्स कहाँ है, वास्तव रस वास्तव आनंद का सोर्स कहाँ है ये नहीं जानते। तो ये नहीं होता भगवान का ये चीज ठीक है, भगवान ने ये ठीक नहीं किए, ये हो ही नहीं सकता। जो भगवान मंगल का आकर है, तमाम दुनिया अनंत ब्रह्मांड का मंगल का आकर है, जितना सारे प्राणी हैं अनंत सब जीवों का आधार है ठाकुर जी, आधारभूत देवी मैया के बारे में, आधारभूता सकल जगत्सु, ये देवी मैया का भगवान का दिया हुआ क्षमता है। ये हो ही नहीं सकता भगवान का ये ठीक है वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये विचार गलत है। जो कुछ भी है भगवान मंगल में है, मंगल ही करते रहते, ये हमको समझ। हम अपना कर्मफल के अनुसार जिस अवस्था में आ पहुंचे, ये शायद ये भी मंगल खाली। हमारा जो अभी जो कष्ट मिलते रहते हैं, अभी जो कष्ट मिल रहा है, ये भी भगवान का कृपा ही है। तत्व अनुकंपम समझ के ये हमको हर वक्त भजन में लगे रहना चाहिए हर वक्त। अभी ये तीसरा अध्याय श्रीमद् भगवद गीता जी का तीसरा अध्याय समाप्त कर दिए काल, और चौथा अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें से भगवान उवाच, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, जो तुमको इतना सारे विचार बताया कर्म महिमा और कर्मों का कौशल, जो कर्म योग आदि सब कुछ बताया, ज्ञान मार्ग का क्या भाव है, सांख्य आदि सब कुछ हमने बताया, और ये जो सुंदर विचार है, ये जो ज्ञान है, ये भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान वाचो इमं विवत्सते योगम प्रक्तवान अहम अव्ययम विवत्सान मनवे प्राहो मनोरिक्षा कवे अवबृत। भगवान कह रहे हैं कि ये अव्यय योग, अव्यय मतलब अव्यय मतलब जिसका अव्यय फलत्वाद अव्ययम, ऐसा अव्यय मतलब अविनाशी, व्यय नहीं होने वाला, भाई अक्षय जिसका माने। इमं विवत्सने योगम प्रक्तवान अहम अव्ययम, हम ये अव्यय योग का बारे में विवत्सते अर्थात विवत्सन मतलब है ये सूर्यदेव,
विवत सते प्रक्तवान। हम सूर्यदेव को ये अव्यय योग का बारे में इमम अव्ययम योगम ये अहम हमने बताया था। और विवत्संस अर्थात सूर्यदेव मनोवे अर्थात मनु सूर्यपुत्र मनु फलो आज मनु को बोला और मनु इच्छा कवे इच्छाकु मनुपुत्र अववृत ऐसा बोले थे। भगवान कह रहे हैं कि ये अव्यय योग का बारे में अनोखा योग ये हम सूर्यदेव के सूर्यदेव को बोले थे बहुत पहले। सूर्य सपुत्र मनु को बताया था उपदेश दिए थे। मनु सपुत्र इक्षाकु को उपदेश दिए थे ऐसा करके ये जो परंपरा का एक ठो धारा चल रहा था। विवत्सन ये जो है सूर्यदेव है ये सूर्यदेव से ही सूर्य वंशों का उत्पत्ति का बारे में भगवत जी महापुराण में दिया हुआ है। और चंद्रमा से चंद्रवंश ये बड़ा कहानी है ये सब अभी सुनने का समय नहीं। अव्यय फलत्वात् अव्ययम ये जो को अव्यय क्यों बोला बोले अव्यय फलत्वात् अव्ययम अव्यय फलत्वात् इसमें अव्यय फल अक्षय फल देने वाले इसलिए अव्यय फलत्वात् अव्यय जो ये जो को ये अव्यय योग नाम पड़ गया। विवत्सान अर्थात सूर्यदेव से सूर्य वंश का उत्पत्ति शायद आपका जानकारी भी है। विवत्सान ये शब्दों के द्वारा सूर्य ही माना जाता है। विवत्सान का पुत्र सूर्य पुत्र मनु मनुपुत्र इक्षाकु इत्यादि चलते रहते। वैवत्सत मनु वैवत्सत मनु से 58 अधस्तन 58 अधस्तन पीढ़ी ये रामचंद्र जी महाराज विवत्सन मनु से 58 पीढ़ी 58 पीढ़ी अधस्तन ये जो पुरुष है ये श्री रामचंद्र। इमम योगम ए योग पूर्वोध्याय में है ये पहले अध्याय में जो कर्म योग आदि सुंदर हमने बताए और इसमें गीतोक्त ज्ञान भक्ति मिश्र कर्म योग इसमें कर्म ज्ञान भक्ति तीनों का बारे में बताया गया। जब भी अलग से भक्ति मार्ग के बारे में और 12वां अध्याय में चर्चा हो पाएगी। कर्म का जो कौशल है ये बुद्धि युक्त कर्म योग निष्काम कर्म मिश्र भक्ति योग को बोला जाता है। इसमें भक्ति अगर मिश्रा नहीं है तो किसी भी मार्ग पे अगर भक्ति का योगदान नहीं तो भक्ति बिना भक्ति कोई फल नहीं मिल सकता। बिना भक्ति कोई फल नहीं मिलता कोई भी मार्ग में जाओ ऐसा करके ठाकुर जी ने बताया कि देखो। और बात में कह रहे हैं कि एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः इसी तरीका से पुरुष परंपरा प्राप्त ये जो योग है राजर्षि गण जैसे आपका ये जो जनक राज आदि राज और ऋषि दोनों हैं राजर्षि राजा
एवं ऋषि दोनों पदवी एक में है। राजसी गण ये विदितो थे अर्थात जानते थे, हे परंतप इसी लोक में ये योग काल का गति से, काल का महान गति से ये नष्ट प्राप्त हो गए, किसी को याद नहीं है। एवं परंपरा प्राप्तम हिमम राजर्षयो विदुः सकाले नेह कालेन इह, एक साथ सकाले नेह महता योग नष्ट परंतप, ये धीरे धीरे आदमी सब भूल गए। काल का कराल प्रभाव से भूल गए। और ऐसा अवस्था में ये जरूरी है कि ये ज्ञान को पुनः स्थापन करना। स एवायम मया ते अद्य योगः प्रक्तः पुरातन, वही प्राचीन ये योग है कर्म कौशल, कर्म योग आदि जो बताए हमने। स एवायम मया ते अद्य योगः प्रक्तः पुरातन, क्यों बताए ये पुरातन जो भूल गए आदमी सब, किसी को याद नहीं है। भक्तो ओसी में सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तमम, तू मेरा भक्त हो सखा हो इसलिए ये रहस्य उत्तम रहस्य जो है इसका बारे में हम बता दिया। तू हमारा भक्त हो सखा हो इसलिए पुरातन योग जो अद्दो आज आपको बता दिया, कारण यह उत्तम गुह्य तत्व है। पहले अध्याय में ज्ञान योग कर्म योग की कथा ठाकुर जी भगवान इखने ये जो परंपरा प्रचलित परंपरा क्रम से सदियों पुरानी हैं आते रहते हैं, बाद में ये सारे भूल गया कालों का प्रभाव से। और ऐसा है कि भगवान कुछ भी बात कहे ये तो वेद वाक्य है, भगवान से अपना से मुखारविंद से जो कुछ भी कहेंगे वो सत प्रमाण है, इसको आप प्रमाण देने का कोई जरूरत है नहीं। फिर भी अगर आदमी का कोई शक हो, संदेह पैदा हुआ ये सब जितना सारे डाउट्स है, संदेह है, संशय है, ये हटाने के लिए उपदेश किए। स एवायम मया ते अद्य योगः प्रक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हि एतद् उत्तमम्, ये उत्तम रहस्य है इसलिए आप ही को हम बताएंगे। अब अर्जुन कहना शुरू कर दिया, अर्जुन का अंदर संशय संदेह पैदा हुआ। गुरु मुख पद्म वाक्यो हिदायत कोरिया वैक्य आर न कोरियो मुनि आशा, अर्जुन का अंदर में कोई अज्ञान है ये सोचना भी अन्याय है, क्योंकि अर्जुन और कृष्ण जो आया है ये तो आया है दोनों नौरो नौरो नारायण। अर्जुन का अंदर में कोई अज्ञान है ये सोचना भी अपराध है, ये ठीक नहीं। लेकिन इच्छा करके भगवान अर्जुन को इसी स्थिति में खड़ा कर दिए कि कम से कम अर्जुन प्रश्न करे और हम लोगों को पता चले क्या क्या कुछ है। सो अर्जुन अभी एक प्रश्न रख दिया,
अर्जुन कह रहे थे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे आपने कर कह दिया। अपरम भवतो जन्मो परम जन्म विवत्सत कथम एतद् विजानीयम् तम आदौ प्रक्तवानी थी। यही है, इसका नाम है संशय संदेह। इसका नाम है संशय संदेह। भगवान ने कह दिया कि ये तो 100%, गुरुदेव कह दिया, प्रभुपाद कह दिया, मतलब ये वेद वाक्य। लेकिन अर्जुन कह रहे कि कैसे माने, आप तो काल का लड़का हो, काल का, और सूर्य जो विवत्सन जो है इसका उफ कब जन्म हुआ। अपरम भवतो जन्मो परम जन्म विवत्सत कथम इतद भी, कैसे हम माने, कैसे हम माने, कैसे हम समझे, कथम एतद बीजानियम तम आदो प्रक्त बांधी, तुमने ही कहा, ये कैसे माने, ये तो असंभव बात है। ये प्रश्न के द्वारा, ये प्रश्न के अर्जुन का, ये प्रश्न के द्वारा सभी का ये यही बात अनुभव में आया, आने वाला है कि शायद अर्जुन जानते ही नहीं है कि ये परात्पर अखिलेश्वर है कि नहीं। अर्जुन जब ये प्रश्न रख दिया सामने, तो प्रश्न के कारण क्या है, ये प्रश्नों का कारण ढूंढने जाओ तो यही तो साबित होता है कि अर्जुन को पता ही नहीं कि ये भगवान कृष्ण जो है परात्पर अखिलेश्वर। अगर पता है तो क्यों ऐसा प्रश्न किया, यही तो बात है ना। अगर अर्जुन को पता ही है इस परमेश्वर परात्पर अखिलेश्वर, तो क्यों ऐसा। बहुत बार सुने हैं ऋषि मुनि ये सब तो इंद्रप्रस्थ में हस्तिनापुर जाते रहते हैं हर वक्त, क्या अर्जुन का सुनने का सौभाग्य नहीं मिला। कुंती देवी भी कितना स्तब की बाद में, ये तो युद्ध का बात, कुंती देवी का प्रसंग बहुत सारे स्तब की, पितामह भीष्म भी कहे, मगर लेकिन कुरुक्षेत्र युद्ध का बाद जब पड़े रहे मैदान में सर्वसज्जा में, तब ये पितामह भसनी भीष्म सब कोई के सामने ये सिद्धांत विचार रख दिया, यही है सामने जो खड़ा हुआ है, यही है परात्पर अखिलेश्वर अनंत ब्रह्मांड नाथ भगवान श्री कृष्ण। जो भी है अर्जुन का ये प्रश्न, अर्जुन का ये प्रश्न के द्वारा ये साबित हो रहा है कि अर्जुन का अंदर में ये पता नहीं, अर्जुन को पता नहीं कि इस परमेश्वर है। इस सिलसिले में एक बात जरूरी है, जैसे तमाम गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण का, गोपी गीता में आता है, हम एक ही उदाहरण उठाएंगे भागवत से क्योंकि समय खा जाए। नखलु गोपिका नंदनो भवान, याद है ना गोपी गीता में, नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक। तो मतलब क्या है, क्या गोपी लोग, ये गोपियों हैं, गोपियों को पता नहीं कि ये परमेश्वर है, भले हाँ जानता है, यही का तो ये जो बताया, नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक। आप गोपिका जसोदा नंदन ये तो आपका बीच है ही है, सब आदमी बोलते रहते हैं, लेकिन असली बात तो ये है कि नखलु गोपिका नंदन भवान, आपसे आप अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक, तमाम अनंत जीवों का अंदर में आप परमात्मा रूप में बैठे रहते हो, नखलु गो निश्चित रूप से आप गोपिका नंदन नहीं हो, आपका असली विचार है, आपका बारे में असली विचार है कि अनंत ब्रह्मांड नाथ हो। तो तत्व ज्ञान तो है ही है, लेकिन ये तत्व ज्ञान गोपियों का, जो गोपियों ने ये सब विचार करके रख दिया, प्रैक्टिकली आप जाओ तो देखोगे गोपियों का बिहेवियर, गोपियों का प्यार, ये देखने जाओ तो पक्का ये विचार आए कि ये लोग जानते हैं कि भगवान
एक कृष्ण भगवान है, सुप्रीम लॉर्ड है, अनंत ब्रह्मांड नायक, तमाम जीवों का अंदर में परमात्मा रूप में बैठा हुआ है। लेकिन ये जानना और नहीं जानना बराबर है। बोले क्यों ऐसा बोला? बोला हां, ये जानना और नहीं जानना बराबर है, क्योंकि जानने का बाद जो वैभव ज्ञान आता है गोपियों के अंदर में, बिल्कुल किसी भी हिसाब से वैभव ज्ञान ऐश्वर्य ज्ञान ठहरता नहीं। यहां तक कि जसोदा मैया कितना सारे वैभव देखे हैं, मुंह का अंदर अपना मुंह खोला, गोपाल मिट्टी खाया कि नहीं, तमाम अनंत ब्रह्मांड को देख ली और अपने को भी देख ली, फिर भी कुछ नहीं। अरे भूत पकड़ा हमारा लड़का को, क्या हो गया, कोई किसी ने जादू टोना कर दिया, क्या है, ऐसा भाव आया। मतलब ये है कि वृंदावन का अंदर ऐश्वर्य भाव जब भी है, महाप्रभु कह रहे हैं कि गोलोक धाम वृंदावन का एक एक कोना में जो ऐश्वर्य है, वैभव है, तमाम वैकुंठ में ऐसा फैला हुआ, वो समझना ही मुश्किल है ऐसा है। फिर भी ये ऐश्वर्य जो है वो ढक, ये कवरिंग है, इसका उम्र में ढक्का है, माधुर्य का द्वारा, ऐश्वर्य को माधुर्य के द्वारा ढक दिया गया, ऐश्वर्य को माधुर्य के द्वारा पूरा ढक दिया गया, क्योंकि दिखा नहीं जाए, क्योंकि ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नहीं मोर्पित। ऐश्वर्य जो ज्ञान जब आ जाए भक्तों भगवान में, जो प्यार मोहब्बत है इतना सुंदर, वो थोड़ा कंटमिनेटेड हो जाए, कोई कंटेमिनेशन हो जाए, वैभव ज्ञान हो जाए, तो ऐसे जो शिथिल प्रेम, जो प्रेम अहेतु की प्रेम जो है, इसमें पूरा मुश्किल हो जाए। इसीलिए गोलोक धाम वृंदावन में अनंत वैभव होने से भी तो ये गोपियों का अंदर में तत्वज्ञान नहीं है, ये हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये तत्वज्ञान है ही है भरपूर। तमाम सरस्वती, तमाम लक्ष्मी, तमाम सब कुछ राधिका रानी, राधा रानी के चरण से निकल आई तमाम शक्ति। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलो मुजा विरंजिजा बरो प्रदे। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलो मुजा विरंजिजा बरो प्रदे। राधा रानी के चरण से सारे तमाम देव देवी देवी शक्ति तत्व का मूल, तो क्या तो गोपियों का अंदर में तत्व ज्ञान का अभाव है क्या? नहीं है, लेकिन ये रहना और नहीं रहना बराबर है। क्यों? ये रहने से जो प्रेम है ये टिकेगा नहीं, ये तो है नहीं का बराबर। ऐसा ही अर्जुन का ये उदाहरण मैंने किस लिए उठाया, ये इसलिए उठाया कि आपको पता चले गोपियों का कहना है कि हम तो ग्वारिया हैं, ये तो हम वृंदावन का अंदर में हैं, हम लोग सब शिक्षित नहीं हैं, तो जो कृष्ण हैं मथुरा में सारे शिक्षित महिलाएं हैं, इन लोगों के क्षमता और सेवा का तरीका भी बहुत ऊंचा हुआ होगा, तो इसीलिए कृष्ण भूल गया। लेकिन तमाम ज्ञान का जो सोर्स है राधा रानी का चरण, तमाम लक्ष्मी सरस्वती गायत्री तमाम, तो तत्व ज्ञान है फिर भी नहीं है। क्यों? ये नहीं का बराबर, क्यों? जानने से ऐश्वर्य जगत तो पैसे कैसे ऐसे प्रीति हो सकता, कोई परात्पर अखिलेश्वर भगवान को क्या चुम्बन करने जाए कि गले लगाने जाए, अरे बाप रे बाप भगवान है, डर के मारे पीछे, अरे तू भगवान है,
ये भगवान है अनंत ऐश्वर्य। वृंदावन का अंदर का भाव ऐसा नहीं, तुम्ही कौन बोरो तुम्ही अमी सोम, ये सखाओं का बात है, कहां का तू आया है रे, तू और हम तो समान है, ले झूठा खा हैं, ऐसा जो भाव है वृंदावन का अंदर है। तो अर्जुन का अंदर में बिल्कुल ये इस बात कैसे आया, जैसे जैसे कि लगता है कि अर्जुन को पता ही नहीं कि सुप्रीम लॉर्ड है भगवान परात्पर अखिलेश्वर है, पर ये ऐसा ही है, भगवान का साथ खेलना उठना बैठना सोना मजा करना ये सब करते करते है तो सुप्रीम लॉर्ड परात्पर अखिलेश्वर, फिर भी बैठता नहीं दिल में विचार है तो मेरा दोस्त, इसी विचार से इसको माना जाए तो ठीक है, नहीं तो सिद्धांतों का गड़बड़ी आ जाएगी। सो अर्जुन का ये प्रश्न है, उवाचो अपरम भवतो जन्मो परम जन्मो विवत् सतः कथम एतत् बिजानीयाम तम आदौ प्रक्तवान इति, आपने एटॉल सूर्योदय को बताए वो कैसे हम समझे। अर्जुन ने और भी कहे बहुनी में व्यथित, इधर जो है अर्जुन ऐसा कह दी और इसके बाद भगवान कह रहे हैं, इसके बाद भगवान उत्तर दे रहे हैं, या अर्जुन देखो बहुनी में व्यथितानी जन्मानी तबो चार्जुन तानी अहम वेदो सर्वाणी न त्वम वेत्सो परंतप, तुम्हारा हमारा ये जो जन्म है बहुनी में व्यथितानी जन्मानी तब, तुम्हारा बहु जन्म बीत गया, तानी अहम वेदो सर्वाणी न त्वम वेत्सो परंतप, आप जानते नहीं हो मैं सब जानता हूं, तानी अहम वेद सर्वाणी तमाम अनंत जीवों का अनंत जन्मों का पूरा ठिकाना ठाकुर जी का पास है। लेकिन अर्जुन के कह रहे हैं अर्जुन न त्वम वेत्सो परंतप, हे अर्जुन तुम जानते नहीं हो, तुमको जानकारी नहीं है। इसका कहने का मतलब है भगवान बोलना चाहते हैं कि मैं परमेश्वर हूं, जीवों का जो मत है मत का माने क्या है, ये जो तमाम आदमी कहते रहते हैं मर गया, ये मरने का माने क्या है, मृत्युर अत्यांतिक विस्तृति, मौत माने हैं लिंक टूट जाने का मतलब क्या है, पूर्व का पूर्व ये जो शरीर है इसको पूरा लिंक टूट गया, मृत्युर अत्यांतिक विस्तृति, कुछ याददाश्त नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं, पूरा छेद पड़ गया, ऐसे तो इस पुराना शरीर को छोड़ना नया शरीर को देना ये तो पहले उदय में बहुत बार कह चुके आप लोगों को भी मालूम, आप लोगों का भी शायद मालूम है, बासांग शिजीर्णानी यथा विहायु नवा निगृणाति नरो परानी है, ऐसा करके जैसा पुराना कपड़ा को फेंक के नया कपड़ा लेना है वो फट गया खराब हो गया, ऐसा ही है ये शरीर चला गया, लेकिन मृत्यु का ये जो डेफिनेशन है मृत्यु अत्यांतिक दृश्य थी, कुछ भी याद नहीं छेद पड़ गया, भगवान होने के नाते हमको तमाम चीज याद है, तुम्हारा बहु जन्म बीत गया है लेकिन हम तुम्हारा हमारा बहुत लेकिन हम
हमारा तो जन्म क्या है, जन्म कर्म चौमे दिव्यम जौम व्यक्ति तत्वतः त्यक्तादि हम पुनर्जन्म नहीं थी मामित सहर्जुन। भगवान कहे हमारा जन्म कर्म जो दिव्य दिव्य धातु ये मतलब अनन्य साधारण आश्चर्यजनक अप्राकृत। दीप धातु मतलब चौंकाना दीप्तिमान है तो ठीक है, भगवान का कोई भी प्रसंग है तो एकदम सबसे ऊपर चमकते रहते हैं तो ठीक ही है। जन्म कर्म चौमे दिव्यम जो में व्यक्ति तत्व तो त्यक्ता दे हम पुनर्जन्म नहीं थी मामित सो अर्जुन। हे अर्जुन मेरा ये दिव्य जन्म कर्म है भगवान होने के नाते मेरे को सब याद रहते हैं। और अनुचैतन्य जीव जीव सब अनुचैतन्य है। जीव का ये अनुचैतन्य जीव जो है एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर पे दूसरा जोनी में भागते रहते हैं। भक्तिमोहन ठाकुर जी ने कह रहे हैं कि भगवान का कहना है कि हम जब भी जगत में अवतीर्ण होते हैं और तुम जैसा सिद्ध भक्त लोग जो हैं हमारा लीला पुष्टि करने के लिए जब जब जरूरी है हम तुमको भी आना पड़ता है तुम लोगों को भी। लेकिन हम सर्वज्ञ होने के नाते तमाम हमारा याद है। चैतन्य भागवत में दिया जानते हो ये है ए सब लीलार कहु नहीं परिच्छेद आविर्भाव तिरोभाव मात्र कहे वेद। ये सब जो लीला चलते रहते हैं कभी आविर्भाव कभी तिरोभाव ये तो है एक कहने का है तो कहने का है ये तो कहने का ही है और कुछ नहीं। जैसे सूर्योदय है लगता है कि सूर्योदय सुबह में उदित होने के बाद शाम को ढल जाते हैं लेकिन ये तो पक्का बात नहीं है। अपना महिमा पे अपना पोजीशन पे सूर्योदय हर वक्त है ही है। कहीं भी जाना संभव नहीं सूर्योदय है ही है। लेकिन हमारा यह पृथ्वी है इसका गोती इनके जो गोती है के कारण हमारा रात दिन घूमते रहते हैं कभी रात कभी दिन और हर रोज लगता है कि नया सूरज उदित हुआ लेकिन ये बात नहीं। ऐसा ही है भगवान का जो लीला इसका कोई परिच्छेद नहीं है। अविभाव तिरोभाव यही कहा जा सकता है और चैतन्य चैतन्य भी महाप्रभु बता रहे सनातन को ये देख सनातन देखो अनंत ब्रह्मांड तार नहीं को गणन कोनो लीला कौन ब्रह्मांड है प्रकटन। अनंत लीला कैसे नित्य होता है भगवान जवाब दे रहे चैतन्य महाप्रभु अनंत ब्रह्मांड में किसी पृथ्वी में किसी लीला चल रहा है अभी भी अनंत ब्रह्मांड है ये गिनती करना मुश्किल है। कोई भी लीला किस ब्रह्मांड में अभी भी चल रहा है अभी अभी बस्तर लीला चल रहा है ये माखन चोरी लीला चल रहा है। हमारा ब्रह्मांड में तो भगवान नित्य लीला को चले गए। महाप्रभु कह रहे हैं कि गंगा का धारा का माफी आलात चक्रवात जैसे चक्का चलता है सुदर्शन चक्र ये चक्का चलते रहते हर लीला को नित्य माना जाए कैसे मतलब किसी ब्रह्मांड में किसी किसी लीला को एक एक लीला का एक एक विषय हर वक्त चल रहा है कोई छेद नहीं समझ में नहीं आएगा।
क्योंकि हमारा जो रेफरेंस फ्रेम है, मतलब हम जो रिलेटिव वर्ल्ड में हैं, ये बुद्धि विचार लगाने जाए तो समझ में ना संभव नहीं, बिल्कुल रिलेटिव वर्ल्ड में है, हमारा तो रिलेटिव वर्ल्ड है। लेकिन भगवान का सारे बचपन से लेकर जन्म से लेकर बचपन से कोई भी लीला, चाहे दामबंधन लीला हो, माखनचेरी लीला हो, या तो कोई भी लीला, पुतना, कुछ भी लीला है, ये सब नित्य है। किसी किसी ब्रह्मांड में अभी चल रहा है, हमको पता नहीं। ऐसा करके नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम जो विदधाति कामान, ये श्लोक को याद रखना। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तबो च अर्जुन, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तबो च अर्जुन, तुम्हारा और हमारा जन्म जो है बहु बहु चला गया, ये सब मेरा याद है। तानी अहम वेदो सर्वाणी नतम वेत्थो परंतप, तुम्हारा याद नहीं है। याद रखना संभव नहीं तुम्हारा, जो भी है ये मित्र अत्यांतिक विस्तृति हमने बताया। और 6 नंबर श्लोक में ठाकुर जी कह रहे हैं कि अजो उपी सन अव्ययात्मा भूतानम ईश्वरो योपी सन प्रकृतिम स्वम अधिष्ठायो संभवामी आत्म मायाया, अजो उपी सन, हम जन्म रहित अजो उपी सन, ये जो जय विजय का बात है, जय विजय कैसे वैकुंठ जगत से गिर गया नीचे, नीचे तो गिरने का कोई सवाल ही नहीं है महाराज, ये तो हमने पढ़ा है, जद गत्वा न निवर्तन्ते तो ध्यामम परमम, कैसे पतन हो गया, बोले पतन नहीं है, ये ठाकुर जी स्वयं चतुसन को बताए, चतुसन मतलब हमने बड़ा गलती कर दी, हम लोगों ने बड़ा अपराध हो गया, भगवान ने नहीं, ये जो सांप का प्रसंग है ये मेरा इच्छा के अनुसार हुई, आपका कोई कसूर नहीं है, ये मेरा ही व्यवस्था है। और ये जो पतन होने का जहां तक सवाल है, जो कैसे हो सकता महाराज, जब भी हो पतन तो हुआ ही, ऊपर से नीचे, ये कैसे माना जाए, जब तक ये लिखा हुआ है गीता में, शास्त्र में लिखा हुआ है, जद गत्या न निवर्तन्ते तद् धम्मं परमं मनो, अगर पतन होने का प्रसंग है तो हम हमारा दिल टूट जाएगा, हाय हाय हम तो भजन कैसे करें, ये विश्वास लेके कर रहा है कि हमको नित्य जगत में स्थान मिलेगी। प्रसंग ये है, ये जय विजय का कोई पतन का पतन होने का कोई बात ही नहीं है, ये तो ठाकुर जी का दिखावा है। ठाकुर जी वीर रस, ठाकुर जी जब भी हर वक्त संतुष्ट है, कोई चाहत नहीं, फिर भी यही एक मजा, वीर रस आसादन करने के लिए अपना भक्तों जय विजय को नीचे भेज दिया, ये पतन हो गया है बोलने से भी उल्टा सिद्धांत, पतन नहीं। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती में कहे कि जैसे क्षुद्र जीवात्मा एक जोनी से दूसरे जोनी में जाता है, जय विजय का ऐसा प्रसंग नहीं है, और नित्य सिद्ध जो स्वरूप है जय विजय का, जो ऊपर का वो जो है ना, जो अपना जय विजय शरीर जो है, चार हाथ है, सब है, भगवान का मापी सब कुछ है, अब इसका पतन हो गया है, कैसे हो सकता है, बोले पतन पतन कुछ नहीं है, ये तो ठाकुर जी का नाटक है, ठाकुर जी
हमारा दयामय और भक्तों का साथ खेलना चाहता है हर वक्त, इस बात को साबित करने के लिए ठाकुर जी ने भेजा। तो क्या ये जो जन्म लिया दीति मैया का कोख से निकल आई, भले ये आई निकल आए ना वो जो जय विजय, लेकिन विश्वनाथ चतुर्थिकाकारों ने कह रहे हैं कि ये जो अनिमा लघिमा पावर है, ये स्वर्ग का देवता लोगों को भी अष्ट सिद्धि है, मुनि ऋषियों को भी, मनुष्य लोग में ये नहीं है। अब स्वाभाविक किसी का है जोग सिद्धि है तो हो सकता। तो ये जो जय विजय का जो प्रसंग पतंग पतन होने का प्रसंग है, ये कुछ नहीं है। ये जय विजय की ऐसा नहीं कि बद्ध जीवों का मामी के चिदात्मा है, ये घुस गया अंदर में मैया का कोख में और फिर जन्म ली, ऐसा नहीं लिखा है। अनिमा लोघिमा ये सब तो प्रकाम काम प्रकाम जो कुछ भी है, प्रकाम काम जो कुछ भी है, जोग सिद्धि होने के नाते एलो का अंदर में पावर है इतना कि ये जय विजय जो है उसी शरीर वैकुंठ शरीर जो है वैकुंठ पार्षद शरीर, ये पतन होने का कोई प्रसंग है ही नहीं। वो तो कैसे, बोले ये शरीर जो है जय विजय जो है ये अपना जोग बल के द्वारा अनिमा लघिमा इत्यादि पावर है वो एकदम सूक्ष्म बन गया, इतना सूक्ष्म बन दिया बन गया। ओके अब मैया का कुख में चली जाके एक नया शरीर बन के निकाल आया बच्चा, ये जय विजय है हिरण्यक हिरण्यकशिपु, मतलब वही शरीर है जय विजय का जो शरीर है वही शरीर है, सूक्ष्म रूप एकदम सूक्ष्म पकड़ के मानो कि किसी को पता ना चले वही शरीर है। ऐसा नहीं कि वो शरीर को फेंक दिया और नया शरीर ले, ना ऐसा नहीं। बाहरी दृष्टि में तो हिरण्यकशिपु का ऐसा शरीर है, लेकिन अंतर में ये सूक्ष्म रूप से या जोग के द्वारा ऐसा बना लिया। अर्जुन का ये जो जन्म है ठक भक्तियों ठक कह दे तो कह दिया, भगवान का पार्षद है, जब भी आना पड़े भगवान को अगर भक्तों का आना जरूर, जैसे भक्तियों ठाकुर प्रभुपाद हमारा गुरुवर्ग जब जरूरत पड़े ठाकुर जी भेज देता है ऊपर से, जाओ थोड़ा सेवा करके आओ। ऐसा नहीं कि भक्तियों ठाकुर को जन्म लेना पड़ा, प्रभुपाद को जन्म लेना पड़ा, ऐसा नहीं। नित्य शरीर है पार्षद शरीर, इच्छा करके ऐसा ठाकुर जी के इच्छा के अनुसार कभी कभी हमारा उद्धार के लिए आ जाते हैं। और श्रीमद् भागवत जी महापुराण में भी गर्ग मुनि का जो कहना है ये तो कोई भूल नहीं सकता हम लोग, ये तो याद है हमारा, क्योंकि गर्ग मुनि जी ने नामकरण का बहाने पे पूरा तत्व को खोल खुलासा कर दिया पूरा साफा। बहूनि संति नामानि रूपानि च सुतस्वते गुणो कर्मानु रूपानि तानि अहम वेद नो जनः, यहां बताया बहूनि संति नामानि, ये आपका नंद बाबा आपका लड़का जो है बहूनी संति नामान, इसका बहुत नाम गुण रूप है। अच्छा बहूनी संति नामानी रूपानी च सुतस्वते ते सुतस, आपका ये लड़का का बहुत बहुत नाम रूप गुम, बहूनी संति नामानी रूपानी च सुतस्वते और गुणो कर्मानु रूपानी, गुण कर्मो के अनुसार गुण कर्मानुरूपानी तानी अहम वेद। गर्ग जी बोल रहे हैं कि हमको पता है ठाकुर जी का कृपा से ऋषि होने के नाते भूत भविष्य वर्तमान सारे तमाम दिखाई पड़ता है। गुण कर्मानुरूपानी तानी अहम वेद नो जानहा, कोई नहीं जानता लेकिन मैं जानता हूं, ये भी ठाकुर जी का कृपा के द्वारा संभव है।
भगवान श्री कृष्ण मुकुंद मुचुकुंद को बताया था जन्म कर्मा भी धानानी संति मे अंग सहस्र स मुचुकुंद, याद है मुचुकुंद पहाड़ी चट्टी में सो गया था, याद है ना। हा भगवान जरासंधर जरासंधर को प्रमाण किया कि डरपोक भयभीत होकर दौड़ रहा है कृष्ण बलराम, असली बात ये है, नाटक है, कुछ नहीं है। और मुचुकुंदो का गुफा में जाके ऐसा कालजवन जो है मुचुकुंदो आंखें खोला तो कालजवन सारे भस्मीभूत हो गया। यही आशीर्वाद था देवता लोगों का, ये ठाकुर जी का ही इच्छा, क्योंकि ऐसा बड़ कोई मांगे कि हम सोए रहेंगे जो मेरा नींद को जोर जबरदस्ती खुले वो भस्मीभूत हो जाएगा जिसको वो मैं देखूं, ऐसा ही मांगा। जन्म कर्माभिधानानी संति में अंगो सहस्र स, भगवान कह रहे हैं मुचुंद मुचुकुंद को जन्म कर्म ये हमारा बहुत अनोखा बहुत है, तो इसके द्वारा साबित होता है ये ठीक है। और अजो योपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिं स्वम अधिष्ठायो संभवामि आत्ममायाया। हे अर्जुन हम जन्म रहित है, अजो योपि, अजो मने अजन्म, अजन्मा मेरा कोई जन्म नहीं है, अव्ययात्मा इस पर कोई व्यय नहीं है, डिप्रिशिएशन नहीं है, अव्ययात्मा सदा सर्वदा एक रहने वाले, भूतानम ईश्वर ओपिशन, भूतानम भूतगणों के तमाम जीवों का ईश्वर, सन ओपी होने से बावजूद, होने के बावजूद सम प्रकृति निज शुद्ध स्वात्मात्मिक प्रकृति का अधिष्ठान शिकार पूर्वक आत्ममाया या जोग माया का प्रभाव से संभवामि अहम। ऐसा करके भगवान अर्जुन को बताएं कि अजो उपी सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपी स्वन प्रकृतिम सम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। जब भी अर्जुन ये जड़ जगत का जितना सारे जीव है ये सब आते रहते हैं, पुनर्जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि मातृ जठरे शयनम, ये तो है ही है, लेकिन हम ये जगत में जो आते हैं और जितना सारे जीव है आते रहते हैं, वो दोनों में अंतर है, विशेष भेद है, क्योंकि हम समस्त भूतों का ईश्वर है, भूतानाम ईश्वरोपि सन, हम समस्त भूतगणों के ईश्वर है, अजो जन्म रहित अव्यय स्वरूप, और सी और चित शक्ति आश्रय पूर्वक हमारा जो चित शक्ति, सी और चित शक्ति का आश्रय पूर्वक तद्वारा स्वस्वरूपे जीव जितना सारे तमाम जीवों को कीपा करने के लिए हम आविर्भाव लेते हैं, किंतु जीवगणों का इतिहास ऐसा नहीं, जीव सकल सकता तमाम जीव हमारा जो माया शक्ति का प्रभाव में वशीभूत होके जगत में आता जाता रहता है, कभी आता कभी जाता, इन लोगों का पूर्व श्रुति खो बैठता है, पहले हम बताए मृत्युर अत्वांतिक विस्मृति, पूर्व जन्मों का श्रुति नहीं रह पाता, संभव नहीं, जीवों का कर्मों
का अनुसार तमाम जीवों का जो कर्म फल के अनुसार लिंग शरीर बोल के जो शरीर है, ये लिंग शरीर इसको ही कारण शरीर बोला है। ये लिंग शरीर है और एक नाम है कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। ये कारण शरीर ही, ये कारण शरीर के कारण, ये कारण शरीर के कारण जीवों को कर्मफल के अनुसार एक जुनी से दूसरा जुनी भटकना पड़ता है। ऐसा करके चलते रहते। और ऐसा नहीं समझ लेना कि मैं मछली बन के आया था, मत्स्यावतार, मैंने कूर्म बन के आया था, मैंने बड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई हमारा कि अब हमारा अपना कर्मफल को भोगने के लिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं। हमारा जो देव तिरजग आदि किसी भी जोनी में मैंने आविर्भाव लेता हूँ देव तिरजग आदि रूप, कभी बड़ा हो कभी कूर्म हो कभी निशिंग, ये जो मैं आविर्भाव लेता हूँ ये मेरा अपना इच्छा, स्वाधीन इच्छा, प्रकृतिम साम अधिष्ठाय, ये स्वाधीन इच्छा, ये किसी का द्वारा किसी का इशारे पे नहीं चलता हूं, ये मेरा स्वाधीन इच्छा का अनुसार होते रहते हैं। हमारा जो विशुद्ध चित शरीर, लिंगो सूक्ष्म शरीर बद्ध जीवों का जैसा ढक्कन दे देता है, ऐसा नहीं। मेरा विशुद्ध चित शरीर लिंग और स्थूल शरीर द्वारा जीव के नए आवृत नहीं हो पाते। मेरा आत्मा शरीर में कोई पार्थक्य नहीं है, जो आत्मा वही शरीर है। वो जानता नहीं, ये सोचे कि उसका मापिक मेरा शरीर है, ऐसा नहीं। मेरा शरीर आत्मा में क्या भेद है, एक ही है, सारे चिन्मय। वैकुंठ अवस्था में मेरा जैसा नित्य स्वरूप है, वैकुंठ अवस्था में मेरा जो नित्य स्वरूप है, ऐसा ही मान के चलो, ऐसा ही ये प्रापंचिक जगत में जो आते रहते हैं, मैं प्रकृतिम समाधिष्ठाय संभवामी आत्म माया है, अपना चित शक्ति माया जो है विशुद्ध चित शरीर जोग माया के द्वारा प्रापंचिक जगत में अवलीला क्रम में प्रकाश करी। ये हमारे ये शरीर वैकुंठ अवस्था में नित्य स्वरूप, इसी को लेके जोगमाया का आश्रय लेके हम अवतीर्ण होते हैं। अगर ये प्रश्न किया जाए जे प्रपंच में चित तत्व का कैसे प्रकाश हो सकता, ये चित तत्व तो दिखाई नहीं जाता। भक्ति ठाकुर ने उदाहरण दी जे ये जगत में किंचित थोड़ा सा उदाहरण स्थल है अग्नि, अग्नि नहीं है फिर भी अग्नि कहां से प्रकट हो जाते हैं, जैसे मैचिस मार दिया लेकिन अग्नि प्रकट फिर वैनिश। ये कथनचित उदाहरण स्थल, अगर कोई प्रश्न करे ये प्रपंच में चित तत्व का प्रकाश जो है कैसे हो सकता, ये तो हैरान की बात है। तो इसका उत्तर दे रहा है भगवान, जब हमारा शक्ति जो है अवितर्क, बियॉन्ड ह्यूमन कंप्रिहेंशन, तर्क वितर्क का बाहर है, पड़े है, हमारा शक्ति अवितर्क, समस्त चिंत, समस्त बियॉन्ड ह्यूमन कंप्रिहेंशन, मानव बुद्धि का अगोचर नहीं है, अगोचर
जो तुम्हारा जुक्ति द्वारा, तुम्हारा रसनालिटी, तुम्हारा जो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन पहुंच नहीं पाएगा, तुम्हारा लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, तुम्हारा जो रसनालिटी यहां तक पहुंच नहीं पाए, कैसे हो सकता ये आपको कैसे पता, कैसे हो सकता? हमारे लिए संभव है, हम ऐसे ही वही वैकुंठ जगत जो शरीर है उसी को लेके प्रकृतिम समाधिष्ठाय संभवामी आत्म मायाया, अपना आत्म मायाया विचार बुद्धि के द्वारा ये समझना संभव नहीं। बस तर्क वितर्क का बाहर जो साधारण जो विश्वास है, सहज ज्ञान, ये जानना चाहिए। जो अचिंत शक्ति संपन्न भगवान, अचिंत शक्तिमान से भगवान में प्रापंचिक कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, मेटेरियल रूल्स एंड रेगुलेशन नॉट एट ऑल एप्लीकेबल। अचिंत शक्ति संपन्न भगवान, भगवान में प्रापंचिक कोई विधि निषेध का प्रयोग हो नहीं सकता। ये विधि निषेध का बाहर है, बियॉन्ड एनी लिमिटेशन। सो भगवान जोर जबरदस्ती भगवान को प्रकृति में आया, अतः भगवान को प्रकृति का गुण का स्वीकार करना, ऐसा नहीं, ये हो ही नहीं सकता। एतद् ईशन ईशस्य प्रकृतिस्तोपि तद्गुणै, ये श्लोक को व्याख्या है, सुनना। एतद् ईशन ईशस्य प्रकृतिस्तोपि तद्गुणै न सज्जते। सो भगवान का जो इच्छा है जोग माया के द्वारा वैकुंठ तत्व अनायास विशुद्ध स्वरूप में ही, ऐसा नहीं तो विशुद्ध स्वरूप में थोड़ा मिलावट आ गया, ऐसा नहीं, विशुद्ध स्वरूपे जड़ जगत में प्रकाश करना भगवान के लिए असंभव नहीं। भगवान का वही शरीर, अप्राकृत शरीर, चिन्मय शरीर जोग माया के द्वारा प्रापंचिक जगत में प्रकाशित होना कोई असंभव बात नहीं है। तो हमारा ये जो सच्चिदानंद विग्रह, ये प्रपंचातीत होके भी यह प्रपंच में उदय होने का क्षमता रखता है, पूर्ण रूप से शुद्ध भगवान। किंतु सियो प्रकृति स्वम प्रकृतिम, इसमें एक विचार आता है। भगवान ने बोला सम प्रकृति, सम प्रकृतिम सम अधिष्ठाय, या जो सियो प्रकृति स्वम प्रकृति ये बोलने से चित शक्ति समझना चाहिए। भक्तिमय ठाकुर जी ने कहा, भक्तिमय ठाकुर जी ने स्वीकार किया जो स्वम एज प्रकृतिम सम अधिष्ठायो, आ ये प्रकृति बोलने से अगर नेचर का बारे में ये बुद्धि आ गया, नहीं ये नहीं, शिव प्रकृति अपना प्रकृति बोलने से चित शक्ति को ही समझना चाहिए भगवान का। हमारा शक्ति जो है एक है, यही चित शक्ति है हमारा, और कर्मबद्ध जीवों का लिए ये माया शक्ति ए रूप नो ऐसा ही बद्ध जीव के सामने माया शक्ति तरह तरह का प्रभाव युक्त है। सो भक्ति ठाकुर जी ने बताया सम प्रकृतिम प्रकृतिम स्वम अधिष्ठायो, ये स्वीय प्रकृति बोलने से चित शक्ति को ही समझना चाहिए भगवान। भक्तिमय ठाकुर जी ने ये विचार बता के दिया।
जीवों का जन्म कर्म फल का अनुसार होते रहते हैं, अपना कर्म फल का अनुसार होते रहते हैं। जन्म पर्व फल अनुसार ही जन्म कर्मों का फल अनुसारण अनुसार जीवों का जन्म होता रहे, देहों का संयोग वियोग ऐसे चलते रहते हैं। और भगवान अजय है, जन्म रहित है। इससे इच्छा स्वयं इच्छा करके श्री अचत शक्ति चित शक्ति आत्मा माया तथा जोग माया का आश्रय करके वैकुंठ का जो नित्य शरीर स्वरूप है ये जगत में प्रकाश करते हैं। ये ब्रह्मांडस्थ ब्रह्मांड में रहने वाले कोई पक्का भजनशील भाग्यवान जीवों का प्रति दया करने के लिए भगवान आते हैं। काल बताया था अंग्रेजी कथा में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशय च दुष्कृतं विनाशयश्च दुष्कृतं संभवामि युगे युगे। तो ये ब्रह्मांडों का अंतर्गत जो भगवान जीव है, जीव का ऊपर कृपा करने के लिए भगवान का आना। और वैकुंठ जगत का नित्य 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 स्वरूप है अचिंत अवितर्क शक्ति। अचिंत अवितर्क अचिंत शक्ति के द्वारा ही इस जगत में प्रकाशित होते हैं। इसका विशेष है भगवान जब ये जोगमा का आश्रय करते जगत में प्रकट, तब बद्ध जीव तमाम जीवों का दृष्टिगोचर होता है। ये ध्यान दे के विचार करना, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु चलते भी तो मार्केट में भी देखते आदमी, सारे आदमी देखने का। लेकिन अप्राकृत जगत में जब भगवान रहते हैं गोलोक धाम में, उस समय भगवान का वो स्वरूप को देखना मुश्किल है। जब इसी अवस्था में जाओ तो ठीक, लेकिन भगवान जो अवतीर्ण होते हैं जुगमाया के द्वारा, इसके द्वारा सुविधा ये है कि तमाम आदमियों का तमाम जीवों का अक्षी गोचर दृष्टि का एक विषय बन जाता है। इच्छा करके जब भी ये दर्शन दर्शन ही नहीं, भगवान को तत्व ज्ञान के द्वारा दर्शन ना करे तो भगवान आने के बाद भी तत्व ज्ञान, ये तत्व ज्ञान जो है जीवों का जो दर्शन है, जब भी देखते रहते भगवान चैतन्य महाप्रभु को, मार्केट का आदमी सब आदमी देखते रहते, लेकिन ऐसा दर्शन दर्शन ही नहीं ऐसी जैसे। लेकिन मेरा आंखों का दृष्टि का सामने आ गया ठाकुर जी, लेकिन फिर भी ये दर्शन दर्शन नहीं। जब भी भगवान दृष्टिगोचर हुआ, जब तात्विक दर्शन हो, जैसे भक्त लोग प्रेमान जन अक्षरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय से विलोकयंती यं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, ये जो बताया भक्तों अपना आंखों में प्रेम का काजल लगा के, भक्ति का काजल लगा के सूक्ष्म वस्तु भगवान को देखते रहते। लेकिन जब भगवान जोगमाया का आश्रय करके प्रकटीभूत होते हैं हमारा सामने, तो जो भजन करते वो भी देखते हैं, नहीं भजन करते नहीं वो भी देखते हैं। ये भगवान का एक विशेष बात है जोगमाया का आश्रय करके। लेकिन ये दर्शन भी पक्का दर्शन नहीं है, जो बद्ध जीव का दर्शन चापाल गोपाल का भगवत दर्शन नहीं हुआ। जब भी आमने सामने जाते जाते बहुत बार देखे, गंगा नहाने जाते गोरंग माँ को लौटते हैं सब, फिर भी एक गलती कर दी, अपराध कर दी। सो जीवों का कर्मफल का अनुसार देहों का संजक संयोग वियोग, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं। और ब्रह्मांडस्थ कई विशुद्ध सब जीव जो भजनशील भगवान जीवों के लिए भगवान आके अपना सेवा को देते हैं, उसका विरह यंत्रा का समाधान करते हैं।
सो अचिंत्य स्वरूप को भगवान का जो अचिंत्य स्वरूप जो अचिन्मय स्वरूप सी अचिंत्य, अचिंत मतलब चिंता का बाहर अवितर्क, ये शक्ति के द्वारा ही अपना स्वम प्रकृति अधिष्ठायो जो बोला तब अवतीर्ण होते हैं। सो हमारा जो युक्ति है विचार है यहां तक पहुंच नहीं पाएगा, अगर पहुंच पाए तो भगवान हमारा भोग्य वस्तु हो गया। भगवान को हम युक्ति के द्वारा लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के द्वारा हमारा जड़ इंद्रिय के द्वारा हमारा जड़ मन के द्वारा चिंतन कर लिया तो भगवान मेरा भोग्य वस्तु बन गया। प्रभुपाद अक्सर ये बात को उठाते थे, दृष्टा दृश्य, हम भगवान का दृश्य है। हम दृष्टा नहीं है, हम दृष्टा जब बने वो भोगी दर्शन, ये भोगी का विचार है। कभी ये भोग्य दर्शन होनी नहीं चाहिए। चित शक्ति का द्वारा इच्छा करके भगवान अपना शरीर को प्रकट कराते हैं, अवतीर्ण होते हैं। जैसे सूर्य उदय हुआ तो ये नहीं कह सकते कि पूर्व दिशा सूर्य को जन्म दिया, अभी अभी ये नहीं कह सकता। पूर्व दिशा में सूर्य का उदय ये साबित नहीं करता कि पूर्व दिशा सूर्य को जन्म दिया, ये सही बात नहीं, जन्म दिया नहीं, लेकिन फिर भी पूर्व दिशा में सूर्य उदित होने का ये जो विषय है उसमें पूर्व दिशा को सम्मान देते हैं, पूर्व दिशा को हर आदमी इज्जत करते हैं। पूर्व दिशा में आपका संध्या वंदन करो, पूर्व दिशा में दिन का टाइम और रात का टाइम में बद्रीनारायण उत्तर दिशा, पूर्व दिशा को सम्मान दिया सूर्यदेव ने, बस ये पूर्व दिशा सूर्य भगवान को जन्म दिया, ऐसा ऐसा कह नहीं सकते, ऐसा बोलना उचित नहीं होगी। सो भगवान का जो जन्म कर्मो ये सब सनातन है, नित्य है, सिर्फ नित्य जगत से नीचे नीचे आया था भगवान। और भगवान देवकी नंदन माना जाता है, सब कोई बोलता है देवकी नंदन हो, लेकिन देवकी नंदन जो है, देवकी नंदन, देवकी नंदन का जन्म के बारे में देखो तो सूती का गृह में मैटरनिटी रूम, कंसों का कारागार, इसमें शंख चक्र गदा पद्म पकड़कर चार भुजा आयुधादि भूषिता एवं दिव्य रूप आदि विशिष्ट शरीर सज्ज पूर्ण नित्य पुरुषे प्रकाश लीला। जेल खाने में, कंसों का जेल खाने में भगवान जब आविर्भाव भये तो चार भुजा है, चार सब कुछ दिखाए और वसुदेव जी स्तब करने लगे, अंतिम में बच्चा बन के गोदी में सो गया। तो भगवान का आविर्भाव के बारे में देखो, दिव्य आयुधादि भूषित दिव्य रूप विशिष्ट शरीर सज्ज पूर्ण नित्य पुरुष ऐसे प्रकाशित होते रहते हैं। ये इसका ऊपर जोर जबरदस्ती चलेगा नहीं, अपना इच्छा का अनुसार भगवान किया। ऐसा करके हमने विचार करके देखा भगवान का अप्राकृत जन्म कर्म जो है ये अजो व्यपि सन अव्ययात्मा भूतानम ईश्वर सन प्रकृति सम अधिष्ठाय संभवामी आत्म माया या, इसका विचार थोड़ा बहुत करके दिखाया। और इसके बाद ठाकुर जी बताते हैं
हर अवतार का तो एक तो मकसद तो है ही है, हर अवतार एक तो मकसद है जरूर, दुष्कृत कारीगण को, दुष्ट व्यक्तियों को विनाश, साधुगण को परित्राण, परित्रा मतलब वो जो विरह यंत्रणा है, ये विरह यंत्रणा का अवसान करना, दर्शन दे के प्यार करके गले लगा के, ये परित्राणायु। क्योंकि साधु वैष्णव, साधु गुरु वैष्णव जो अक्सर ये बात बोलते हैं, ठाकुर बचाओ मैं मुसीबत में हूं, ऐसा नहीं, ठाकुर को कभी नहीं ऐसा बताते। विश्वनाथ चकुर्थी महाराज जी ने कहे कि जो परित्राणायु मतलब ये शोकार नवाद, ग्रिजिनार नवाद, ये शोक का सागर में निमज्जित है, इसे हमको बचा लो, आपका विरह से मैं पीड़ित हूं, ऐसा करके बताए। और सात नंबर श्लोक में बताए, जदा जदा ही धर्मस्व ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्व तदात्मानम सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जब धर्मों का ग्लानी, अधर्मों का प्रादुर्भाव होते रहते हैं, तब हम अपना नित्य जगत से अपना स्वरूप को इधर प्रकट करता हूं। जदा जदा ही धर्मस्व ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्व तदात्मानम सृजाम्यहम् सृजाम्यहम्। ऐसा करके मैं, हे भारत, जब भी धर्म का ग्लानी, अधर्म का प्रादुर्भाव होते रहता है, तब तखन हम अपना स्वरूप को प्रकट करते हैं जगत में। जदा जदा ही धर्मस्व ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्व तदात्मानम सृजामि अहम्। ऐसा करके और उसका बाद आठ नंबर से बताए, इसका व्याख्या हम कर दिया, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थायो संभवामी जुगे जुगे। धर्म संस्थापनार्थायो, परित्राण साधुगणों के उद्धार के लिए और दुष्कृत कारीगण को नाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थायो पक्का धर्म को संस्थापन करने के लिए संभवामी जुगे जुगे। धर्म संस्थापन यो है, धर्म संस्थापनाय मतलब धर्म संस्थापन करने के लिए, राजर्षि भक्तमंटो कह रहे हैं कि राजर्षि ब्रह्मर्षि आदि हमारा जो सब भक्त है, वो लोग को ये लोग का सत्ता में हम शक्तावेश रूप से, शक्तावेश अवतार करतो वर्णाश्रम धर्म संस्थापन करता हूं। ये तो राज्य राजर्षि महर्षि लोक अंदर में शक्तावेश करा देता हूं, मेरा शक्तावेश करा देता हूं, और करके वर्णाश्रम धर्म का संस्थापन करते रहता हूं। ये सब जब स्लाइट डिसऑर्डर हो गया, अव्यवस्था फैला हुआ है सब कर, लेकिन जब विशाल कोई कारण है तो वह आना पड़ता है। और हम जुगे हम जुग जुग संभवामी जुगे जुगे मतलब हम जुग जुग में अवतीर्ण होते रहते, ये कथा इसके द्वारा कलिकाल में भी हमारा अवतार जरूर है,
ये स्वीकार करना जरूरी है। कलिकाल में कोई अवतार नहीं है, ये नहीं है। कलिकाल में भी हमारा अवतार संभव है यह स्वीकार करना जरूरी है। कलिकाल का अवतार केवल कीर्तन आदि के द्वारा परम दुर्लभ प्रेम संस्थापन करेंगे भगवान। इसमें दूसरा कोई मतलब है नहीं, इसमें दूसरा कोई मतलब है ही नहीं। सो से अवतार अवतार सर्वावतार श्रेष्ठो होने होले भी, यह अवतार सर्वावतार श्रेष्ठ होने से भी आम आदमी को पता नहीं चलता गुप्त रूप से। हमारा परम भक्त लोग जो है स्वभावतो उस अवतार कत्तिक विशेष रूप आकृष्ट हो जाएंगे। माधवेन्द्रपुरी बा ईश्वरपुरी बा जितना सारे है, हमारा जितना सारे भक्त लोग हैं विशेष परम भक्तो स्वभावतो इसी अवतार कत्तिक विशेष रूप से आकृष्ट हो जाएंगे। कलियन निस्तार निस्तारों का अवतार, कलिजनों को बचाने के लिए कलिजन निस्तारों कारों का अवतार, कौतिक दुष्कृत जनेर दुष्कृति विनाश व्यतीत और असुर विनाश कार्य कुछ नहीं है। ये मार काटा पीटी कुछ नहीं है, दुर्नीति का विनाश। इसके अलावा असुरों को डायरेक्ट नाश नहीं है अवतार में, इसीलिए ये जो ऐसे गुह्य अवतार परम रहस्य, ये अवतार का बारे में सब कोई को पता नहीं है, गुप्त अवतार है। इस गुप्त अवतार का बारे में सब कोई को पता नहीं है। ऐसा करके साधुगणों का परित्राण के द्वारा माने बैठाया। क्या माने? मेरा एकांत भक्त लोग जो है मदियो दर्शन के बिना ये विरह उत्कंठ उत्कंठा के द्वारा विरह के द्वारा एकदम अभिभूत है, अवस्था खराब। ये लोग को प्रसाद करने के लिए विरह वेदना जो फीलिंग ऑफ सेपरेशन विरह यंत्रणा को लाघव करने के लिए हटाने के लिए मैं आता हूँ। आप दुष्कृत नाथ मरे मोदी भक्तगण का विद्रोही जैसे रावण कंस आदि इनके विनाश क्योंकि दूसरे के द्वारा खत्म होने वाला नहीं है। और धर्म संस्थापन अर्थ क्या है? हमारा वैकांतिक अर्चन ध्यानादि लक्षण युक्तो शुद्ध भक्ति योग रूप परम धर्म, जिस बारे में हम छोड़ के अन्य प्रवर्तन करने में असमर्थ है, ये संस्थापन के लिए ही अर्थात धर्म संस्थापन के लिए ही मेरा अवतार है और कोई दूसरा कारण नहीं है। ऐसा करके भगवान विचार दे रहे हैं चैतन्य चरितामृत में भी ऐसा है। सृष्टि हेतु से ही मूर्ति प्रपंच अवतारे लिखा हुआ है चैतन्य चरितामृत। सृष्टि हेतु सृष्टि के कारण सृष्टि हेतु सही मूर्ति प्रपंच अवतरे जगत में प्रपंच में अवतरित हो जाते वो ईश्वर मूर्ति सही ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे वही ईश्वर मूर्ति अवतार नाम।
धारण करता है अवतार नाम। मायातीतो परब्रह्म सवार अवस्थाए, मायातीतो परब्रह्मे सवार अवस्थान विश्व अवतरी धरे अवतार नाम। सृष्टि के कारण अलग अलग रूप, पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, मन्नंतर अवतार, जुगावतार, शक्तवेश अवतार। पुरुषावतार खेरुद गोसाई विष्णु समझा, करुण और नमसाई खेरुद गोसाई विष्णु, ये तो रहती है। सो पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, मन्नंतर अवतार, जुगावतार, शक्तावतार, ये षड्विध छ किसिम, षड्विध अवतार की अवतार के बीच में ये जुगावतार विषय की अति विकृत हो। ये जुगावतार विषय जी अतिशय विकृत है ना। ये जो जुगावतार, ये जुगावतार विषय को कोई कोई आदमी ऐसा मिसयूज करते रहते हैं, अतिशय विकृत हो गया, क्योंकि ये लोगों को कुछ मतलब है दुर्विशंधि। इसके द्वारा एक साधारण आदमी को भी अवतार बना के रख देते हैं, ये अवतार है, ये अवतार है, ऐसे बोलते रहते हैं अवतार। अरे अवतार का तो लक्षण है, तुम चिल्लाने से तो होगा नहीं ना। तुम अपना संप्रदाय का मूर्ख पुजारी हैं, देवी का पूजक, उसको तुम अवतार बना दिया, अवतार भगवान होके हैं देवी मैया का पूजा कर रही, ऐसा करके से इसका पीछे एक मतलब खराब है, बहुत मतलब खराब है। इसीलिए ये जगत में ये कई कई कभी कभी संगठन, कोई कोई संप्रदाय इच्छा करे, संप्रदाय तो है ही नहीं, पक्का संप्रदाय तो है नहीं ये, लेकिन किसी को जुगा अवतार बना के हुई हल्ला लगा देते हैं, तमाम आदमियों को उल्टा रास्ता दिखा रहे हैं। ये जुगावतार जो विचार है, इसका करने जाए तो पहले ही जुग किसको बोला जाता है ये समझ आए। जुगावतार तो बोल दिया, तमाम अवतार हो गया, पिछले जो शतक गया ना 100 साल, ये 2000 शुरू होने का पहले 1900 साल पूरा चला गया धीरे धीरे, और कृष्णा जुगावतार आया और गया, उल्टा करके व्याख्या करते रहते हैं। जुगावतार ये जो बात है, पहले हमको जुग किसको बोला जाता है समझना चाहिए। इस संबंध में श्रीमद् भगवत जी श्रीमद् भागवत महापुराण में, श्रीमद् भागवत जी महापुराण में श्री नवजेंद्र नवजोगेंद्र संवाद आता है, नवजोगेंद्र शर्मा संवाद, ये नवजोगेंद्र संवाद में आता है। शास्त्रों में नहीं है, हम किसी को अवतार बना दिया ये ठीक नहीं है। नकुल ब्रह्मचारी का अंदर, नकुल ब्रह्मचारी का अंदर भगवान का आवेश हुआ, शक्तावेश अवतार। शिवानंद सेन जी ने परीक्षा करने के लिए आ गए, ये सच्चा ये अवतार है कि क्या है देखने दे। शिवानंद सेन आए, शिवानंद सेन नकुल ब्रह्मचारी का सिपाट है, कालना से थोड़ा बाहर गांव में हम गया, बहुत दिन पहले हम गया, 18-20 साल पहले गया, अब इसका बीच में तो टाइम नहीं हुआ। और बाहरी बगीचे में रह गया, और नकुल ब्रह्मचारी के पास हजारों हजारों आदमी आते रहते हैं, गांव बास कहां कहां से आदमी आना शुरू कर दिया। और शिवानंद सेन से सोचा ये मेरा प्रभु का अवतार है, देखने थोड़ा परीक्षा करके, तो कैसे
अगर हमको खुद बुलाए, हम बाहर बगीचे में रहे, खुद हमको बुलाए और हमारा क्या मंत्र है वो हमारा कानों में बोले, कौन मंत्र हमारा है मिला, दस अक्षर मंत्र तो हम माने। इतने में अंदर से आवाज आ रहा है, ब्रह्मचारी जी आपको बुला रहा है, शिवानंद कौन है, आओ आओ जल्दी आओ। शिवानंद सिंह ठीक है गया, गया के दंडवत किया। आप प्रभु का आवे अवतार है, शक आवेश अवतार हो आवेश वा, उसमें नकुल ब्रह्मचारी बोलते रह गए, आपका विश्वास नहीं हुआ कि हम आया, आपका दशाक्षर मंत्र है ना, तब शिवानंद माना। तो युग अवतार, शक्तावेश अवतार, मन्नंतर अवतार, ये बोलने से होता नहीं। पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, मन्नंतर अवतार, युगावतार, शक्तावेश, ये बोलने से ही हो जाता। जैसे व्यासदेव गोस्वामी में शक्तावेश, व्यासदेव गोस्वामी शक्तावेश अवतार, नारद जी महाराज भक्ति शक्तावतार, अरे ऐसा अवतार है। परशुराम भी अवतार है, तो मन्नंतर अवतार अलग है, युगावतार अलग है, इसका कोई सारे लक्षण है। भगवान ने बताए कि जे देखो इसमें के लड़ाई झगड़ा को कोई बात नहीं। तस्मात शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्यो व्यवस्थित हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या विश्वास क्या नहीं विश्वास, सामान चीज ये है, ये शास्त्रों का ऊपर विचार का ऊपर। तस्मात शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्यो व्यवस्थित, और श्रीमद युगावतार विचार करने जाए तो युग किसको बोला जाता है, इस संबंध में श्रीमद भागवत जी महापुराण में श्री नवजोगेंद्र संवाद में ये एक बात आता है, कृतम तेता दापरंचो कलीर कली रीति एशु केशवा सत्व तेता दापर कली, ये चारी युग, ये चारी युग, ये चारी युग में कौन सी युग में कौन कौन वर्ण आकृति वेश बना के ठाकुर जी आते हैं, ये चारी युग में कैसे रूप कैसे वर्ण है, कैसा आकृति विशिष्ट है, कैसे स्वभाव बना के आते हैं, नाम कैसे वेश आदि लोके भगवान अवतीर्ण होते हैं, इसका बारे में विस्तारित रूप से नवजोगेंद्र जी महाराज, नवजोगेंद्र जो है ये नवजोगेंद्र जी सब सारे ये सब बता दें। विदेहराज निमि महाराज का प्रश्न का अनुसार करभाजन ऋषि का उत्तर में मिलता है, करभाजन ऋषि का उत्तर में मिलता है, ये नवजोगेंद्र सारे नौ जोगेंद्र है, एक नहीं है नौ, कबीर हबीर अंतरिक्ष पिप्पलायन ये सब सारे हैं करभाजन। ऐसा करके युग बोलने से ही युग अवतार युग ऐसा करके उल्टा सीधा व्याख्या करना ठीक नहीं है, तमाम शास्त्रों का विचार है इसमें। ऐसा है, दूसरा श्लोक में तो ये श्लोक का थोड़ा व्याख्या हो पाया, समझ गए आप। परित्राणायो साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापना नार्थायो संभवामी जुगे जुगे, इसका व्याख्या हो पाया थोड़ा, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं, और करना चाहिए। तो नौ नंबर श्लोक में जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्त्वतः जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामित सोहर्जुन, हे अर्जुन हमारा जन्म कर्म जो है ये तत्व का हिसाब से जो जानते हैं, जो व्यक्ति मेरा दिव्य जन्म कर्म के बारे में तत्वगत विचार करके समझ पाते हैं, समझ
समझते हैं, वेद शरीर अपना शरीर को छोड़कर पुनः ये जगत में जन्म लेने का कोई सवाल ही नहीं है। जन्म कर्म चौमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति 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 में नैति ममेति सोहर्जन, इसका जन्म लेने का कोई प्रयोजन नहीं, अधिकंतु हमको ही लाभ करता है, हमारा पास पहुंच जाता है, हमको प्राप्त करके रखता है। ऐसा करके भगवान का दिव्य जन्म कर्म के बारे में बहुत सारे विचार है। श्री रामानुजाचार्य अपना अपना रामानुजाचार्य श्री मधुसूदन सरस्वती पाद और सारे सारे सिद्ध साई पाद तमाम एक एक करके व्याख्या करके रख दिया। वस्तुतः चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि वस्तुतः तहार भगवान का तमाम क्रियाक्रम जो है अपराकृत है। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं दिव्य जन्म कर्म ये जो बताया जन्म कर्म चौमे दिव्यम, विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं लिखा है टिक टिक टीका में कमेंट्री में वस्तुतः भगवान का सारे क्रियाक्रम जो है अपराकृत है, लेकिन हमारा समझ में नहीं आता है। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में भी ये आता है एक विचार, न विद्यते यस्सो च जन्म कर्मो वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा, ये विचार आता है भागवत जी महापुराण में, न विद्यते यस्सो च जन्म कर्मो वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकापायो संभवायो या समाया या तानी अनुकाल मृच्छति। जीव गोस्वामी बात भी अपना क्रम संदर्भ में टीका में भगवत संदर्भ अवतार क्रम संदर्भ टीका में प्रतिपादन किए हैं, जो अनुग्रहार्थम भजतम पादमूलम अनाम रूपो भगवान अनंतः नामानि रूपानि च जन्म कर्म वीर भेजे स मह्यम परम प्रसीदतु। जो भगवान समय समय अलग अलग नाम रूप लेके जिसका कोई जन्म नहीं है फिर भी जन्म कर्मा वीर भे आविष्कार करते हैं अपना जन्म कर्म को इच्छा करके लाते हैं, स मह्यम परम ये भगवान मेरा ऊपर सर्वांगीण रूप से प्रसन्न हो जाए, स मह्यम परमः प्रसीदतु, ये परम पुरुष मेरा ऊपर प्रसन्न हो जाए। आप ऐसा करके चैतन्य चरितामृत में बताया निर्विशेष तारे कहे सही श्रुतिगण प्राकृत निषेधी करे अप्राकृत अप्राकृत स्थापन। ये महाप्रभु मध्य खंड में जो सर्वभट्टाचार्य जी का साथ महाप्रभु का जो विचार बन रहा था वेदांतों का, निर्विशेष तारे कहे महाप्रभु कह रहे निर्विशेष तारे कहे जय श्रुतिगण प्राकृत निषेधी करे अप्राकृत स्थापन। ये जो प्राकृत गुण नहीं है भगवान में इसलिए ऐसा बताया गया, भगवान का हाथ नहीं है पात नहीं है इंद्रिया नहीं है अपानिपात जवनो गृहीत्वा, ये जो श्लोक है भगवान इसमें बताइए प्राकृत निषेधी अर्थात भगवान का प्राकृत कोनो किया कर्मो बा इंद्रियादि भगवान का प्राकृत नहीं है, अप्राकृत स्थापन करने के लिए ऐसा बताए।
और चैतन्य चंद्रोदय धियो धृत वचन भी है और उपनिषद में भी है, जा जा श्रुति जलपति निर्विशेषण सा सावी धत्ते सविशेष सविशेषमेव विचार योग सती हंत तासम प्रायो बलिह सविशेषमेव। चैतन्य चंद्र धितो हय शीर्ष वचन, ये हय शीर्ष पंचरात्र का वचन चैतन्य चंद्रोदय नाटक में ये है। जा जा श्रुतिर जलपति निर्विशेषम शाशा अभिधत्ते सविशेषमेव विचार योगे सती हंतो तासम प्रायो बलीयः सविशेषमेव सविशेषमेव। तो श्रुति में बताए हर शीर्ष वचन में जो जहां जहां जा जा श्रुति जलपति, जलपति माने बोलते हैं, जा जा श्रुति जलपति निर्विशेषण, जहां जहां श्रुति में उल्लेख किया गया भगवान निर्विशेष है, ऐसा है वैसा है फलाना है ऐसा, या याद करके रखना साविधत्ते सविशेषमेव। इसमें श्रुतिगण ऐसा लिखा है लेकिन इसमें पक्का जानना ये जो ऐसा जहां जा जा श्रुति जलपति निर्विशेषम जहां जहां लिखा है ये प्रमाण हो जाता है कि सा साविधत्ते सविशेषमेव। ये सविशेष अर्थात अप्राकृत सविशेष स्वरूप को, अप्राकृत सविशेष स्वरूप को स्थापना करने के लिए ही ऐसा निर्विशेष आदि निरा ऐसा बताएगा। अपानिपादो जवनो गृहिता तदि जो है सारे इसी कारण अप्राकृत को, अप्राकृत वस्तु को अप्राकृत स्थापन करने के लिए ही बताए, और कुछ इसमें मकसद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए उल्टा समझना उचित नहीं। काल फिर विशेष रूप से इसको चर्चा किया जाएगा, आज समय संक्षेप के कारण हो नहीं पाए। नष्कर्मम ओपि अच्युत भाव वर्जितम न सबते ज्ञानम अमलम निरंजनम पुनः कुतः पुनः शशदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदपि अकारणम्। नैष्कर्मम् ओपि उच्युत भाववर्जितम् न सवति ज्ञानममलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शशदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदपि अकारणम्। वाञ्छ कल्पतरुषि के बासिन्द व्यवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।